छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं। ऐसे में दुर्ग संभाग में सबसे सेंसिटिव विधानसभा सीट वैशाली नगर में एक नया मोड़ आया है। बता दें कि मुकेश चंद्राकर, जो कि वैशाली नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, उन्हें लेकर भ्रामक प्रचार ये किया जा रहा है कि वे बाहरी कैंडिडेट हैं। लोगों के मन को, आम जनमानस व मतदाताओं को इस भ्रामक प्रचार की वास्तविकता पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने कुछ इस तरह बयां की। बता दें कि बीते दिनों स्वयं मुख्यमंत्री ने भी प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को लेकर लोगों की सोच को निराधार बताया था। लगातार प्रचार कर जन समर्थन जुटा रहे मुकेश चंद्राकर, जो कि साफ सुंदर छवि व नम्र व्यवहार के व्यक्ति हैं, उन्हें जनता का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। मुकेश चंद्राकर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने इस प्रकार से दी है। आपको मुकेश को जानना पड़ेगा, मुकेश कौन है। आपको भूपेश को जानना पड़ेगा, भूपेश कौन है। 1885 में जमशेद जी टाटा इस्पात का कारखाना बने, इसके लिए राजरा आया, दिल्ली राजरा। और जमशेद जी टाटा दिल्ली राजरा इसलिए आए कि खनिज है दिल्ली राजरा में, लेकिन टाटा ने देखा कि खनिज तो है लेकिन पानी यहां उपलब्ध नहीं है, तो जमशेदपुर की तरफ आगे बढ़ गए। और जमशेदपुर में उनने इस्पात का कारखाना खोला, और इस्पात का कारखाना 1904 में जमशेदपुर में चालू हो गया, उसका उत्पादन होने लगा। देश जब आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक क्रांति को लेकर सपना देखा, और 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि इस्पात का कारखाना भिलाई में खुलेगा। और तय किया तो जवाहरलाल नेहरू ने यह महसूस किया कि इस कारखाना को खोलने के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन सरकार की नहीं है। तो 1945 में मुकेश चंद्राकर के परिवार के पुरखे चंदूलाल चंद्राकर शादी के मंडप से शादी छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं कांग्रेस से जुड़कर काम करने के लिए, और वहां पे वो बिरला के परिवार से जुड़ जाते हैं, तो उनका जवाहरलाल नेहरू से संबंध हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, चंदूलाल जी, आपके छत्तीसगढ़ में जो पहले सीपी बरार स्टेट हुआ करता था, छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था, इस्पात का कारखाना खोलना है, राजरा में एस्ट है और गंगरेल में पानी उपलब्ध हो गया, गंगरेल का बांध बना लिए है। गंगरेल का बांध बनाने में जिस तरीके से आप लोग, आपके रिश्तेदार लोग जमीन दिए, वैसे अगर जमीन आप दे दोगे तो इस्पात का कारखाना खुल जाए। जमीन चाहिए थी 32,000 एकड़, कितनी जमीन चाहिए थी, और गांव थे यहां पे लगभग 60 गांव, तो 60 गांव की जमीन किसकी थी, मुकेश चंद्राकर के पुरखों की या भूपेश बघेल के पुरखों की। तो जमीन दिया तो 1955 में कारखाना बना, और कारखाना जब बना तो मेरा पिताजी 2000 किलोमीटर दूर बिहार के सहरसा जिला के छोटे से गांव बनगांव में रेडियो सुन रहा था। तो मेरा पिताजी रेडियो सुनते सुनते एक वाक्य सुना कि भिलाई में इस्पात का कारखाना खुल रहा है, वहां नौकरियां मिल रही है। तो मेरा पिताजी रेल पटरी को अपना हिस्सा बनाते बनाते वहां से चला और भिलाई 3 के रेलवे स्टेशन में उतरा तो लाउड स्पीकर में एक नाम आवाज सुना। वो आवाज था, नाम लिखाओ नौकरी पाओ, नाम लिखाओ नौकरी पाओ, नाम लिखाओ नौकरी पाओ। मेरे पिताजी के साथ 13 लोग आए, 13 लोग ने नाम लिखाया और नौकरी उनको मिल गई। नौकरी उनको मिली तो नौकरी करने के लिए सेक्टर 1 के ट्यूबलेट सेट का एक मकान मिला, वो मकान में 13 लोग रहे और नौकरी करने लगे। फिर जब स्वयं का मकान मिले, इसको लेकर प्रयास भिलाई इस्पात क्षेत्र ने किया, तो फिर मुकेश चंद्राकर के पुरखों ने आमदी दे दिया जो हुडको है सेक्टर 9 है, हिंगना दे दिया जो सेक्टर 6 सेक्टर 5 सेक्टर 7 है, सेक्टर 1 2 3 4 जो बोरिया था उसको दे दिया, तो फिर सेक्टर बना तो सेक्टर 6 के एवेन्यू डी की सड़क में रिकेश के ससुराल के बगल में, रिकेश का ससुराल सेक्टर 6 में था,
अशोक भैया के घर के बगल में हम लोग का घर हुआ और वहां हमारे पिता ने शादी ब्याह किया और हम लोग पैदा हुए और हम लोग यहाँ पले बढ़े और आज आपके सामने खड़े होके भाषण दे रहे हैं। 1955 में क्या हुआ, एक कारखाना बना जिस कारखाना में मुकेश चंद्राकर का परिवार नौकरी नहीं किया, पूरा देश आके नौकरी किया, पूरा प्रदेश आके नौकरी किया और वो कारखाना बनने के कारण और एक चीज बनाना पड़ा, वो शहर बनाना पड़ा। लोग बोलते मुकेश बाहर से आए, बाहर के प्रत्याशी है, मुकेश के घर पे तो हम लोग आके, मुकेश के जमीन पे तो हम लोग आके रह रहे हैं, हम लोग बाहर से आए हैं और मुकेश को बाहर वाला बता दो।